विजयी भव, ये एक आशीर्वाद है जो जंग से पहले योद्धाओं को दिया जाता है और कुछ ऐसे ही आशीर्वाद के साथ भारत की सरजमी पर एक घातक हथियार राफेल आ रहा है। देश में राफेल लाने का ये वक्त और भी खास हो जाता है जब विजयदशमी के मौके पर राफेल का राज तिलक किया जाए। नमस्कार, R9 टीवी की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। आज का मुद्दा आतंकवाद के खिलाफ भारत की तैयारियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजनाथ सिंह फ्रांस में फाइटर जेट राफेल को रिसीव करेंगे। उधर कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है, या यूं कहे कि पागल हो गया है। अपनी ही बर्बादी का खेल खेल रहा है पाकिस्तान और अब बुराई पर अच्छाई की जीत का मौका, यानी कि दशहरे के साथ ही रक्षा मंत्री राफेल को भारतीय सेना में शामिल करेंगे। शस्त्र पूजा के साथ राफेल का राज तिलक होगा और दुश्मन को संदेश दिया जाएगा कि भारत इस बार बोलेगा नहीं, करके दिखाएगा। राफेल के भारत में आने के साथ ही सवाल उठता है कि क्या आतंकियों पर अंतिम विजय की तैयारी पूरी हो गई है, क्या शस्त्र पूजा के साथ शस्त्रों के प्रयोग की बारी अब आ गई है और क्या राफेल से पाकिस्तान का सफाया करने का प्लान है। इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन और वो है दुश्मनों का दुश्मन। शस्त्र पूजन के बाद अब होगा आतंक का अंत। राफेल विजयी भव। असत्य पर सत्य की जीत के पर्व का माहौल है। इंसानियत के दुश्मन पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। जी हां, भारत कूटनीति ही नहीं, सैन्य ताकत के हिसाब से भी पूरी तरह तैयार है। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद फ्रांस से राफेल जैसे दमदार लड़ाकू योद्धा को लेने जा रहे हैं। और मौका है विजयादशमी के पर्व का। ये वो शस्त्रों का शस्त्र है जिसके नाम से ही दुश्मन की नींद उड़ जाए। हालांकि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे अब भी रह रहकर आतंक को पनपाने का दुस्साहस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के मुताबिक घाटी में 200 से 300 आतंकी सक्रिय हो रहे हैं। यही कारण है ठंड के मौसम के आने से ठीक पहले ही आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की नापाक नियत से पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी भी करवाई जा रही है। सीज़फ़ायर वायलेशंस हो रही हैं कश्मीर के एरिया में भी और जम्मू के एरिया में भी, खासतौर पे कानाचक का एरिया जहां आरसपुरा का एरिया है, हीरानगर का एरिया है, उस पूरे एरिया के अंदर सीज़फ़ायर वायलेशन, पुंछ और रजौरी के एरिया में बार बार सीज़फ़ायर वायलेशन हो रहा है, उधर उड़ी के एरिया में है, नामला के एरिया में हो रहा है, करना और केरन के एरिया में हो रहा है। हालांकि इमरान खान की गोद में बैठे आतंकवादियों को उनकी मौत दिखाने के लिए भारत की तैयारी पूरी है। फिर भी रावण जैसे अहंकार के आगे पाकिस्तान बेशर्मी की चादर ओढ़े हुए नापाक कोशिशों को लगातार अंजाम दे रहा है। ऐसे में देश के चीफ मार्शल भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं। We will be ready to face any challenge, any threat, and we will be better prepared. इमरान खान और उसके पाकिस्तान के लिए ये आखिरी चेतावनी है कि अपनी राक्षसी बुद्धि में पैदा हो रहे खुराफात को
बंद कर दें, वरना अपने अंजाम तक पहुंचने में अब उसे जरा भी देर नहीं लगेगी। और हां, इस बार जुबान नहीं शस्त्रों से जवाब मिलेगा, वो भी राफेल जैसे योद्धा से। आसमान में होगा राफेल और जमीन पर होगी भारतीय सैनिकों की कदम ताल। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। और ऐसे में सवाल उठता है, R9 के सवाल है कि आतंकियों पर अंतिम विजय कब तक, शस्त्र पूजा के बाद शस्त्रों का प्रयोग कब, क्या राफेल कर देगा पाकिस्तान का सफाया। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम अपनी चर्चा में तलाशेंगे, इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जो हैं जुड़ चुके हैं। तो आतंकियों पर अंतिम विजय आखिरकार कब तक, शस्त्र पूजन के बाद शस्त्रों का प्रयोग कब, क्या राफेल कर देगा पाकिस्तान का सफाया। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है घुसपैठ करने की, और बालाकोट में फिर से आतंकी शिविर जो है एक्टिवेट हो गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन भारत को है, तो क्या राफेल अब पाकिस्तान का सफाया करेगा। तो हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन कराऊं उससे पहले तस्वीर आपको दिखाती हूं, एक तस्वीर दिखाऊंगी। हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं वो भी इन तस्वीरों को जरा देखें कि किस तरह से आज महानवमी है और कल विजयदशमी है, और किस तरह से रावण दहन किया जाता है। रावण को श्री राम जो है वो तीर चलाकर, अभी भी परंपरा जो है सदियों से जो चली आ रही है वो निभाई जाती है, कि विजयदशमी के मौके पर कहते हैं असत्य पर सत्य की जीत होती है, और इसी के प्रतीक के रूप में रावण दहन जो है वो किया जाता है। तो अब क्या वक्त आ चुका है, क्योंकि 8 अक्टूबर वो दिन है, वायुसेना दिवस है, और ऐसे मौके पर फ्रांस में रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे राजनाथ सिंह, और राफेल, पहला राफेल जो है हमें मिलेगा। तो अब बारी आ गई है पाकिस्तान की, आतंकियों का सफाया और आतंक को खत्म करने के लिए क्या स्टेप्स भारत को उठाना है, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जेपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में। रिटायर्ड कर्नल ओमवीर सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता जो है गुलरेज शेख हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तमाम गेस्ट का स्वागत है। सबसे पहले जेपी सर, आपसे जानना चाहूंगी क्या वक्त आ चुका है आतंकियों का सफाया, आखिरकार कब तक, क्योंकि पूरा भारत चाहता है कि अब ये लड़ाई जो है वो अंतिम दौर में पहुंचनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है, जिस तरह से भारतवर्ष में पर्वों का दौर जारी है, और उसमें अपना पावन पर्व दशहरा, विजयदशमी कल है, और ये एक ऐसा शुभ कोइंसिडेंस है कि कल को वायुसेना दिवस भी है और विजय दिवस भी है, दशहरा का पर्व भी है। जैसा कि वैदिक परंपरा के अनुसार विजयदशमी के दिन असत्य, अहंकार, झूठ, फरेब के ऊपर सत्य की विजय होती है, और इसी तरह से अब समय आ चुका है कि जिस तरह से पाकिस्तान झूठ, असत्य, अहंकार, आतंक और तरह तरह की बुराइयों से वो भरमार है उसके यहाँ, उस पर सत्य की विजय होना लाजमी है, और उसके लिए हम भारतवर्ष, उसके लिए भारतवर्ष, हमारे रक्षा मंत्री फ्रांस में जा रहे हैं, और वहाँ से जो राफेल है, राफेल एयरक्राफ्ट, जो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का एयरक्राफ्ट है, उम्दा एयरक्राफ्ट है, जिसकी हाई टेक्नोलॉजी और जिसकी जो काबिलियत है वो बहुत टॉप सीक्रेट है, उसका यहाँ से मैं बयान नहीं कर सकता। इतना ही मैं कहूँगा कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, रडार के किसी भी उससे उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और पाकिस्तान का इससे सफाया जरूरी है। जिस तरह से बार बार पाकिस्तान तरह तरह की बातें करता है, बंदर घुड़की देता है और परमाणु बम की धमकी देता है, उसको समझ लेना चाहिए कि भारत पूरी तरीके से सक्षम है। आपने जैसा बताया कि आतंक का सफाया, आतंक के सफाए के लिए तो भारत पहले से ही सक्षम है। जिस तरह से बालाकोट में
हमारे मिग 21-29 और मिराज ने बालाकोट में आतंकियों के कैंप का सफाया किया था। उस तरह से हम तो पहले से सक्षम हैं, लेकिन जो पाकिस्तान है, इमरान खान की सरकार है, बार बार जो है युद्ध की धमकी देती है, तो कल हम उस तरह से भी उस पूरे सक्षम हो जाएंगे कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की युद्ध की जरूरत भारत के खिलाफ करता है तो हमारे पास रफेल है, रफेल एयरक्राफ्ट है, जिससे पूरी हमारी फ्रांस से डील हो चुकी है और हम उसको हमारे पास आने के लिए जो है तैयार है जी। तो भारतवर्ष जो है जी, जी। पाकिस्तान की किसी भी धमकी का पूरी तरीके से जवाब देने के लिए आज सक्षम है। कर्नल ओमवीर, आपको क्या लगता है कि भारत तो सक्षम है, लेकिन राफेल जब भारतीय सेना के कहते बेड़े में शामिल हो जाएगा तो इसके बाद क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे पड़ोसी मुल्क की बात कर ले, कितना असर पड़ेगा और जो आतंकी गतिविधि है वो कहीं ना कहीं रुकेंगी, क्योंकि अब मजबूत हो रहा है भारत और ये पाकिस्तान को भी पता है कि अब हर फ्रंट पे वो घिरने लगा है। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। और अभी तक जो था, हमारे जवान इतने सुपीरियर हैं फाइटिंग स्पीड्स में कि हमने अमेरिका के लेटेस्ट टैंकों को 65 में तोड़ा हुआ है, अब्दुल हमीद को याद कीजिए। और उसके बाद हमारे मिराज 2000 ने और मिग्स ने जो है F-16 से लड़ाई की हुई है। तो जब आप समझिए कि जब मैन बिहाइंड द मशीन इतना काबिल है और जब उसको मशीन भी अच्छी दे दी जाएगी तो अब उस कोई किसी प्रकार की कमी नहीं, और हमारी जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी इससे। और ये जो सो सुनार की एक लोहार की एक कहावत है, जो रोज़ रोज़ जो ये दो चार आतंकी भेज के पाकिस्तान डराने की कोशिश करता है, या कभी मुशर्रफ कहीं बाहर के कंट्री में बैठ के धमकियां देता है कि हम आखिरी ब्लड तक लड़ेंगे, अब समय आ गया है कि इनकी ये सब स्टेटमेंट बंद की जाए। और हमारा राष्ट्र जो है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही जिम्मेवार राष्ट्र है और वो फर्स्ट एग्रेशन कभी नहीं करता है। लेकिन बेवकूफ़ अगर दुश्मन अगर बेवकूफ़ हो तो उसकी बेवकूफ़ियों का भी हम हिसाब किताब हमारे पास रहता है। और अब जब राफाल, जैसा कि कर्नल जेपी ने बताया कि हालांकि इसकी ये लेटेस्ट वेपनरी से इक्विप्ड है, अभी 36 राफाल की एक किश्त आ रही है और फिर भारत में बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसके बाद जो है किसी भी मुकाबला तो कभी पाकिस्तान के साथ हमारा था ही नहीं। लेकिन ये जो उसकी गुस्ताखियां हैं और ये जो छुटपुट हरकतें हैं और ये जो धमकियां देने की आदत है, शायद अब वो दो बार सोचेगा ऐसा करने से। और अगर ऐसे उसने कोई गुस्ताखी करी भी तो मेरे ख्याल से इस बार पाकिस्तान का अंत होगा, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था। गुलरेज शेख, क्या लगता है वक्त आ चुका है, क्योंकि हम सक्षम हैं, तमाम जो यहाँ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं कि हम पहले भी सक्षम थे। और बहुत अच्छी बात रिटायर्ड कर्नल ओमवीर ने कही कि मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स, वाकई में इंसान की काबिलियत होती है और वही मैटर करता है। तो क्या अब हम सक्षम हैं, अंतिम लड़ाई में हम कब पहुंचेंगे, भारत आखिरकार आतंक के खिलाफ लड़ाई में कब जीत हासिल करेगा, कब भारत कहेगा विजय भवा? नहीं श्रुता, हमको तो विजय भव हर बार हुआ है। और जिस प्रकार से कर्नल साहब ने भी कहा कि 65 के युद्ध में जब अमेरिकन हथियार से लैस था पाकिस्तान, और उस समय उसके पास एज कटिंग टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास नहीं थी, लेकिन उस समय भी हमने पाकिस्तान को मूकी दी है, हमने उसको धूल चटाई है। लेकिन आज की यदि बात करते हैं तो मैं केवल और केवल राफेल को संदर्भ में बात नहीं करूंगा, मैं तो तीन चीजों को सामने लेकर बात करूंगा। एक है राफेल, दूसरा है S-400 और तीसरा है कि हमारे जो नए एयर चीफ मार्शल हैं उनका वक्तव्य। देखिए, राफेल की हम यदि बात करें तो राफेल जनरेशन 4th एयरक्राफ्ट है, और पाकिस्तान से यदि हम कंपेयर करें तो उनके पास जनरेशन 4 में F-16 है, जो कि राफेल जिससे ज्यादा आधुनिक है और अंडर 5 टॉप 5 पे आता है, जिसमें F-16 नहीं आता है। तो हमको एज कटिंग यदि हम बात करते हैं तो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में हमारे पास राफेल है जो उनसे काफी आगे है। उसके कंपैरिजन में यदि F-16 के बात करें तो उनके पास क्या है, JF-17 है। JF-17 राफेल के सामने कहीं स्टैंड नहीं कर सकता, चाइनीज प्रोडक्शन है वो।
दूसरा हम बात करते हैं यदि S-400 की, देखिए S-400 मिसाइल सिस्टम वह है जो राफेल का सारा डाटा, जिसको F-16 का सारा डाटा इनकॉर्पोरेट करने के बाद बनाया गया है, F-16 के युद्ध में उपयोग होने के बाद S-400 मिसाइल सिस्टम बना है तो जो राफेल को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। तो पाकिस्तान का जो सबसे सुपीरियर एयरक्राफ्ट है वह हमारे एयरक्राफ्ट से भी जो है वो कमतर है, और दूसरी बात जो हमारा एयर जो मिसाइल सिस्टम है S-400 वह उसके लिए बिल्कुल कॉम्पेटेबल है कि यदि सपोज करें कि कराची से S-400 निकलता है और मुंबई में अब F-16 निकलता और मुंबई में अपना S-400 खड़ा है तो उसको फोड़ने में कैपेबल है वो, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो 400 किलोमीटर। सवाल सुन लीजिए, ये जो सैन्य ताकतों की आप बात कर रहे हैं, हम भी जानते हैं कि भारत सक्षम है और राफेल जब भारतीय सेना में के बेड़े में शामिल होगा तो वाकई में ताकत जो है दोगुनी तिगुनी बढ़ जाएगी, लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार आतंक का खात्मा कब। बालाकोट में जनरल बिपिन रावत खुद कहते हैं कि बालाकोट में फिर से शिविर जो है वो एक्टिव हो गए हैं, खुद जम्मू कश्मीर के DGP कहते हैं कि 200 से 300 आतंकवादी जो है वो एक्टिव मोड में है। दिल्ली हाई अलर्ट पर जाती है, 2 से 3-4 आतंकी जैश मोहम्मद के वो जो है वो घुस चुके हैं, तो आखिरकार कब ठुकेगी आखिरी कील। हर फ्रंट पे हमें पाकिस्तान को घेरना होगा, हम अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि सर इच्छा शक्ति कब, हम कैसे घेरेंगे पाकिस्तान को। लेट मी कंप्लीट जी। देखिए उसकी तैयारी भी कंटिन्यूअस चल रही है, आप ये देखिए कि पहले भारत उनको जब पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला होता था तो हम उनको डोजियर देते थे, अब पॉलिसी में चेंज हो चुका है, अब डोजियर नहीं दिया जाता, अब डोज दिया जाता है। उन्होंने उरी किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उन्होंने पुलवामा किया, हमने बालाकोट किया, अब यदि कुछ और होता है अब यही सवाल मैं पूछूंगी सर कि उन्होंने उरी किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उनकी इतनी हिमाकत हो गई कि उन्होंने पुलवामा किया फिर हमने स्ट्राइक किया, अभी फिर से बैठे हुए हैं आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में, बड़ा हमले की तैयारी हो रही है, अमेरिका यह कह रहा है कि आतंकी बड़ा हमला भारत में हो सकता है और हमारे भारतीय इनपुट्स भी यही कह रहे हैं कि बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। दिल्ली कुछ दिनों पहले सर हाई अलर्ट पर थी, 3 से 4 आतंकवादी जैश के जो है वो एंट्री कर जाते हैं, तो आखिरकार ये लूपहोल्स कब तक सरकार जो है ढूंढ कर निकालेगी। नहीं देखिए ये लूप होल्स उसको कह सकते हैं जब हमारे यहाँ कोई लूप होल हो तो सरकार के लूप होल्स कह रहे जाएंगे, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दाना हरकतें होती हैं उसको तो हम हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, चाहे वो कूटनीतिक फ्रंट हो चाहे वो सैन्य फ्रंट हो, बस एक ही चीज बचती है कि हम उस पर एग्रेशन करें, जब सही समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। देखिए सबसे पहला हमारा टारगेट है कि हमारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी। कर्नल जीपी साहब क्या लगता है, लगता है कुछ तकनीकी खराबी हुई है, क्या लगता है जो बात कह रहे हैं गुलरेज शेख की एग्रेशन की बारी आएगी तब वो भी हो जाएगा, लेकिन क्या लगता है इन एक्टिविटीज जो होती हैं, जो स्ट्राइक्स होते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुए, एयर स्ट्राइक हुए, उसके बाद भी आतंकी गतिविधि जो है वो कम नहीं हो रही है, तो आखिरकार क्या हमें अपनी प्लानिंग में चेंज करना होगा, स्ट्रैटेजी क्या डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि डर तो बैठना जरूरी है आतंकवादियों में और जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, जो जम्मू कश्मीर में इस तरह के डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं उनमें ये डर बैठना जरूरी है। देखिए पिछले 3 सालों में प्लानिंग और स्ट्रेटजी हमारी बदल चुकी है, अगर 3 साल पहले से की बात करें तो कितने आतंकी हमले पाकिस्तान ने भारत में किए हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी हुई है। आपने बात की पुलवामा, उड़ी और पठानकोट जैसे हमलों की, तो जो लूप होल्स हैं जब पाकिस्तान मरने मारने के लिए आमदा है और जिस तरह से हमारी जो सैन्य क्षमता है आतंक को रोकने के लिए, आतंक पर लगाम लगाने के लिए, तो वो पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन फिर भी LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन का दौर चला हुआ है, 2000 से ज़्यादा बार किए हैं सर। हाँ 2000 से, तो उससे पहले भी पाकिस्तान जब भी सीज फायर उल्लंघन करता है तो उसी के दौरान में पाकिस्तान के जो
आज ISI है, पाकिस्तान के जो सेना के आके हैं वो आतंकियों को घुसाने की कोशिश करते हैं, और जहां बॉर्डर ऑलरेडी सील हो चुका है, जैसे कि राजस्थान का है, कुछ हद तक जम्मू कश्मीर का है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल और J&K में जो कुछ भारत विरोधी तत्व हैं उनके आश्रय से पाकिस्तान उसमें कामयाब हो जाता है। उस कामयाबी में दो चार आतंकी भारत में घुस जाते हैं और वो इस तरह की घटनाएं करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों में जिस तरह से आतंकी घटनाओं में कमी आई है, ये आतंकी घटनाएं उधर ही हो रही हैं J&K में। अब वो भी उसमें भी बिल्कुल लगाम लग जाएगी जब से 370 और 35 से हटी है। अलगाववादियों को सबक मिल गया है, उनको एक करारा तमाचा मिला है। अब आप देखेंगे कि जिस तरह से उड़ी हो या बालाकोट हो, ये पुलवामा हो या पठानकोट की घटना हो, ये J&K में जहां भारत तत्व विरोधी अपना सर उठाते रहे हैं, अलगाववादी पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे हैं, वहां ये 3-4 आतंकी बड़ी घटनाएं हुई हैं। अब यहां पर आप ध्यान देने की बात है, तीनों घटनाओं के बाद में जिस तरह से 2000 से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन जब हुआ तो 21 भारतीय उसमें मारे गए। सवाल तो यही उठता है कि 8 महीने में हमने 139 जो आतंकी हैं उन्हें मार गिराया है, लेकिन हमने अपने 26 जवान भी खोए हैं। आतंक और आतंकियों के खात्मे की, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा है, 8 अक्टूबर जब फ्रांस में रक्षा मंत्री जो है वो राफेल विमान को रिसीव करेंगे, वायुसेना दिवस है, और खास मौका इसलिए भी है कि विजयदशमी का पर्व है। ये वही पर्व है जो सिखाता है कि बुराई पर किस तरह अच्छाई की जीत होती है। तो अब वो मौका आ गया है कि आतंक और आतंकियों को सबक सिखाया जाए, कैसे आतंकिस्तान को सबक सिखाया जाए, कैसे पूरी तरह से नकेल कसा जाए। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के लीडर संजय गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, इस चर्चा में वो भी शामिल होंगे। संजय जी, आपसे ही पहला सवाल ले लेती हूँ ब्रेक के बाद, कि ये कैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, हर फ्रंट पर घेरने की कोशिश की जा रही है, राफेल जो है हमारे बेड़े में शामिल हो रहा है, ऐसे में भारत और जो है मजबूत होगा, लेकिन क्या लगता है इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है कि हम पूरी तरह से नकेल आतंकवादियों पर नहीं लगा पाते? देखिए, मैं कह रहा हूं ये तो एक स्वागत योग्य कदम है कि कोई भी हमारे पास नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी के जहाज यदि आते हैं। ये बात दूसरी है कि उसके अंदर कोई विवाद है या उसकी खरीदारी के ऊपर भी चर्चा, मैं समझता हूँ आज करना ठीक नहीं रहेगा। तो मगर इसके अंदर अगर देश के अंदर कोई नई टेक्निक आती है उसका हम स्वागत करना चाहते हैं, अच्छा है, उससे मजबूत होगा। परंतु पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके रग रग के अंदर झूठ, फरेब और आतंकवाद छुपा हुआ है, उसके DNA में आतंकवाद है। आप देखें कि पिछले कितने सालों से लगातार पाकिस्तान की नीति हमेशा भारत जैसे देश को परेशान करने की रही। हम लोग प्रयास करते हैं कि शांति का हम मैसेज दें, मगर उसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि सरकार जो कदम उठा रही है, हम चाहते हैं कि उससे आगे बढ़कर अब आर पार की लड़ाई का, मैं समझता हूँ ये समय आ गया है। आर पार का समय इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने 1971 के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, मैं समझता हूँ आज समय आ गया है कि जब बलूचिस्तान को और सिंध को भी आज वहाँ पाकिस्तान से अलग हो जाने की आवश्यकता है। जैसा कि वो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचों पर ये लगातार डिमांड भी कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो भारत को अब आगे बढ़ के, और जैसा कि हमारी जो सरकार है उनके नेता आज ये बात कह भी रहे हैं, तो आज पूरा देश उनसे उम्मीद करता है कि वो आगे बढ़ के अपनी इसके अंदर ताकत का प्रदर्शन करें और जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करें, और आज पाकिस्तान को उसका जो सही जगह है वो दिखा दी जाए। हमारे सेना के जो अधिकारी हैं उनको सर झुका के नमन करते हैं, उनके शौर्य को, और जो हमारे पुलिस बल के हमारे जितनी फोर्स है उनको भी नमन करते हैं, क्योंकि उन्हीं की ताकत से मैं समझता हूँ आज तक ये सारी चीज़ें संभव भी हुई हैं और आगे भी आने वाले समय के अंदर संभव होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसके अंदर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी यदि जुड़ती है तो उसका लाभ ज़रूर पूरे देश के अंदर और देश के निवासियों को हमारे को होगा। सरकार को ज़रूरत है थोड़ा मजबूत स्टेप लेने की और उसकी हम उम्मीद। गुलरेज शेख सुन रहे हैं, सरकार को थोड़ा और मजबूत स्टेप लेने की जरूरत है, और इंदिरा गांधी का जिक्र भी छिड़ गया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? बांग्लादेश की याद दिलाई है,
देखिए संजय जी ने जो कहा वो किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से पहली बार अच्छी बात सुन रहा हूँ, इसलिए उनको साधुवाद भी देता हूँ। देखिए जहां तक इंदिरा जी ने जो किया था, मैं शब्द वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंदिरा जी ने जो किया था हम उसको सम्मान करते हैं और आजीवन करते रहेंगे। और मैं तो बार बार कहता हूँ, मैंने आपके टीवी पर पूर्व में भी ये बात कही है कि पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि इसके 3-4 टुकड़े कर दिए जाए और वो होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए कोई चीज आवश्यक है तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस अपने नियंत्रण में लेना। जिसकी एक देखिए ये जिस प्रकार से एकदम से धारा 370 और 35 को समाप्त किया गया, आप देखना कि एक दिन हम उठेंगे सुबह, मालूम पड़ेगा कि मुजफ्फराबाद में भारत की कैसे होगा। सर विपक्ष तो यहाँ हाहाकार मचा देता है। संजय जी हालांकि बैठे हैं हमारे साथ और उन्होंने, मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये कांग्रेस के लीडर ही बोल रहे हैं, लेकिन वाकई में लेकिन गुलरेज सर चीजों में समर्थन करते हैं, लेकिन होगा कैसे सर? हाहाकार तो विपक्ष ही मचाता है धारा 370 खत्म होने के बाद, जो तमाम लीडर्स पहुंचने लगे और अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपने भी देखा कि किस तरह का मैसेज गया। राहुल गांधी की चीजों को कोट किया जा रहा था पाकिस्तान में, तब राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ा, लेकिन फिर भी विपक्ष ने स्टैंड क्लियर नहीं किया कि वो 370 पर सरकार के साथ हैं या नहीं है। संजय जी, जी मैं कहना चाहूंगा गुलरेज भाई, आवाज तो नहीं आ रही लेकिन नहीं। आपको मेरी आ रही होगी शायद, जरूर आ रही है गुलरेज भाई, आपकी पूरी आवाज में, लेकिन मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनिए। जहां तक की बात है, जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं उनको देश भी समर्थन नहीं कर रहा है, आप ये मान के रखिए। और जहां तक धारा 370 को समाप्त करना और जिन लोगों ने उसका विरोध किया था उनका हश्र क्या कर दिया है देश में, चुनाव के समय भी विदेश में जाकर बैठना पड़ रहा है। मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ श्रीमंत राहुल गांधी जी के विषय में, वो कांग्रेस में भी बहुत से अच्छे लोग हैं जो समर्थन करेंगे, यही मोदी जिसके माध्यम से कश्मीर आजाद जी, जिसके माध्यम से पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, जिसके माध्यम से देश और भारत पता पहुंचेंगे। जी गुलरेज जी मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपकी टेक्निकल सुनिए भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ गुलरेज जी, जो आपकी सोच है, जो आपकी विचारधारा है, आपको समझना पड़ेगा, पूरा देश इस बात को जान चुका है पिछले 5-6 सालों के अंदर, कि जिस तरह का सनसनीखेज बना करके किसी भी विषय को आप देश के सामने अपना उपलब्धियां दिखाना चाहते हैं, सनसनीखेज उपलब्धियां जो, और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, अभूतपूर्व उपलब्धियां इस देश के अंदर आप कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो आज तक इस देश के अंदर कभी नहीं लेकिन हुआ। मजबूत तो हुई है भारतीय सेना सर, मैडम एक पिछले 5 सालों में कैसे मजबूत हुई है? यहाँ हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने, मैं तो डिफेंस एक्सपर्ट साहब का सभी का आदर करता हूँ, नहीं नहीं आदर की बात नहीं है सर, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, सरकार ने पहली बार खुली छूट दी थी, मनमोहन सरकार से मांगा गया था, नहीं दिए थे सरकार ने, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर देता हूं। मनमोहन सिंह जी की जो बात हम करना चाहते हैं मैडम, देखिए कभी मनमोहन सिंह साहब ने रात के 8 बजे नोटबंदी लागू नहीं करी, कभी रात के 12 नोटबंदी पे एक मिनट मैडम, नहीं नहीं मुद्दे से रात की, अभी उन्होंने कहा मुद्दे कि आप सुबह नहीं नहीं आपने सुना नहीं, इन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद अगले दिन आप उठेंगे सुबह तो रात और रात मुजफ्फराबाद के ऊपर भारत का झंडा होगा। मैं उस बात पर कमेंट करना चाहता हूँ, ये जो रातों रात काम कर रहे हैं, स्टेप लीजिए, एक मिनट मैडम आपने तो खुद कहा संजय जी, आप सुनिए तो सही, एक मिनट तो मुझे अवसर दीजिए, आपने मुझे बुलाया है। देखिए रातों रात यहाँ पर सीबीआई के अफसर का चार्ज ले लिया जाता है, ये रातों रात काम क्यों हो रहे हैं? अरे भाई साहब आपने धारा 370 और 35 की बात करी, देखिए सबसे बड़ी इस देश के अंदर अगर लोगों ने प्रश्न उठाया, आपने इसको इमीडिएट इंप्लीमेंट कर दिया, वहाँ की चुनी हुई लोगों से आपने बात करना उचित नहीं समझा, आपने विधानसभा में पारित करना नहीं समझा, इतने सालों से तो बातचीत ही होती रह गई ना, सुन तो लीजिए आप इतने साल, नहीं सर मुद्दे से भटक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस पे डिसीजन होना है कि ये वैलिड भी है कि नहीं है, ठीक भी है कि नहीं है, जम्मू कश्मीर धारा 370 नहीं हटी है, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है, जम्मू कश्मीर में सेना भर्ती में इतने युवा जो गए हैं, देखिए ना भाई साहब देश के फैसले की आप जिक्र कर रहे हैं, ये पत्थरबाजों को माफ करने वाले भी लोग यही थे, आपको याद है कि भूल गए हैं, आप भूल गए हैं क्या?
देश के अंदर जो सेना को पत्थर मार रहे हैं, उसको माफ करने वाले लोग भी यही हैं, कोई और नहीं है। और बिरयानी खाने अचानक यही लोग जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। और जिन्ना की मजार के ऊपर भी हम नहीं जाते हैं, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और आईएसआई से हमारे बेस कैंप पे आर्मी के ऊपर हम इसके अंदर इंस्पेक्शन भी हमने नहीं करवाया, इसी सरकार ने करवाया था। और पीडीपी के साथ 3 साल छोटे पार्टनर के रूप में यही लोग थे, हम नहीं थे, ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैं। दूसरी बात यह है, ये अपनी उपलब्धियों को सनसनीखेज बना के देश के सामने रखना चाहते हैं, जबकि आप मुझे ये बता दीजिए, ये आप बताते हैं बम फेंकी है। अरे भाई, आप सीधी सीधी बात बताइए, विडंबना है, ये विडंबना है हमारे देश की कि जब बात हो रही होती है बाहरी ताकत की तो हम अंदर खाने ही लड़ाई कर रहे होते हैं, हम धड़ों में बढ़ जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संजय जी माफ कीजिएगा, राहुल गांधी को ट्वीट क्यों करना पड़ा, राहुल गांधी को ट्वीट क्यों करना पड़ा, अपनी इमेज बचाने के लिए राहुल गांधी आ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया उन्हें कोट कर रही है, क्यों ट्वीट करना पड़ा राहुल गांधी को, क्यों विपक्ष ने स्टैंड क्लियर नहीं किया? कांग्रेस के जो वक्तव्य आए उसको लेकर इमरान खान यूएनजीए के फ्लोर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रेस किया, जब ये जिन्ना की मजार पे गए, जब ये वहाँ पे बिरयानी खाने गए, धारा 370 को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोना रो रहा है, आप मुझे बताइए प्रेस संजय जी करते हैं वो, ये दोहरा चरित्र आप जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का, जी आपका आरोप रहता है कि बीजेपी का दोहरा चरित्र होता है, अभी तो आपका नजर आ रहा है, कर दीजिए दो फार पाकिस्तान के समय आ गया है, इंतजार आपके पास क्या लगता है, क्या लगता है ये जो डिबेट जिस दिशा में जा रही है कि ये जो बार बार उकसाने की बात हो रही है कि सरकार जो है वो हार्ड स्टेप ले, क्या सीधे सीधे युद्ध डिक्लेयर कर दे? हम तो उनको भारतीय मानते हैं, वो भारत के लोग ऐसे काम कर रहे हैं। गुलरेश शेख एक मिनट, राजनीति सीखने के नाम पर संजय जी आपको लगता है कि नहीं लगता गलत है वो? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, संजय जी का कहना है वो डिक्लेयर कर दीजिए आप कीजिए। संजय जी का कहना वो डिक्लेयर कर दे, देखिए केवल बातों में हमारा विश्वास नहीं है, हम चाहते हैं ये सब काम आपको करना लीजिए, चाहिए लीजिए, और इसके लिए हम इसके अंदर आपकी तारीफ करना चाहते हैं, की भी राय ले लो सर, मैं चाहते हैं सर, ये जो भारत का स्टैंड हमेशा से रहा है कि पहले युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अब लीडर्स हमारे कह रहे हैं सब कुछ करेंगे, माफ कीजिएगा सर रोकना चाह रही हूँ, यहाँ मैं रिटायर्ड कर्नल राहुल गांधी से लोगों का 2 मिनट के लिए सर स्टेटमेंट ले, बार बार शर्मसार करते हैं। अरे भाई साहब चलिए पहले हमारे एक्सपर्ट साहब बोलने, फिर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि अगर इतनी में बोले उन्हीं की बात को लेकर शीरीन मजारी ने यूएनएचआर से भाई हमारे सम्मानित हमारे हमारे बड़े जिम्मेदार हमारे सेना के, मैं आपकी बात पर यही कमेंट करना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि अगर हिम्मत है तो दो टुकड़े कर दें पाकिस्तान के, देखिए दो तरह के आप कंफ्यूज करते हैं हर चीज को, एक मिलिट्री एस्पेक्ट होता है, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, और एक तीसरा मिसलेनियस एस्पेक्ट होता है, तो हर प्रॉब्लम को तीनों तरह से डील किया जाता है। एक तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो कन्वेंशनल वॉर है और जो ये टेररिज्म आतंकवाद है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कन्वेंशनल वॉर 65 में हुई थी, 71 में हुई थी जी। और ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी माना है और उनकी फौज भी मानती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से कन्वेंशनल वॉर में लड़ने के काबिल नहीं है, जीत सकता नहीं है, उन्होंने एडमिट किया जी, है जी, जी। अब उनके पास क्या चारा बचता है? केवल एक आतंकवाद का चारा बचता है। आतंकवाद पर उनका लक्ष्य क्या होता है? उनका लक्ष्य होता है कि थोड़ा नुकसान भी हो उसको ज्यादा से ज्यादा पब्लिसाइज किया जाए, आतंक फैलाया जाए लोगों में, जैसा अब J&K में फैलाया हुआ है। इसका एक बेनिफिट आतंकवादियों को यह होता है कि टाइम ऑफ चूजिंग और प्लेस ऑफ चूजिंग उनके पास होता है। हजारों की भीड़ है, दशहरे के मेले लगे हुए हैं, आप कितनी भी चेकिंग कर लीजिए, अगर एक सुसाइड बम्बर कुछ नुकसान करना चाहता है तो वो कर सकता है नुकसान 50-60 कितनी भी उसके बावजूद। तो इन दोनों को टैकल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो मिलिट्री तरीके होते हैं वो कन्वेंशनल वार होती है, या जो हमारी मिलिट्री है वो बॉर्डर पर बॉर्डर सील करती है, दूसरे देशों के आतंकियों को अंदर नहीं आने देती। जहाँ पर अंदर के आतंकी हैं, जो हमारे कुछ ये समझ लीजिए कि भटकाए हुए लोग हैं, या कुछ हमारे जयचंद हैं, या जिनकी रोजी रोटी इसी काम से चल रही है, उनका जो काम है उनको हर तरह से काबू में किया जाता लेकिन है। सर, क्या नहीं जैसा लगता आपने कहा पक्ष साथ में आपने होने चाहिए। पहले वो पत्थर वालों को कुछ नहीं कहा, आप ये देखिए कि पत्थर वाले भी बच्चे हैं, भटके हुए हैं, उनको पहले समझाने की कोशिश की गई,
वो नहीं समझे, अब नहीं समझे तो फिर अब वो बंद है, जो उनमें से मिस्क्रिएंट है वो बंद है अंदर। इसी प्रकार से विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ना सर कि सभी को नजरबंद कर रखा है, क्यों संजय जी आप तो सवाल उठा रहे हैं इस पर। देखिए कर्नल साहब का कहना है कि जब जरूरत पड़ी तो सख्त होना पड़ता है, जब समझाने से बात नहीं बनी तो थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ती है। आप भी यही कह रहे हैं मजबूत स्टेप लीजिए, लेकिन बावजूद इसके आपका डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है कि आप सीधे कह देते हैं कि वहां पर जो है कि हो हंगामा हो रहा है, वहां पर नजरबंद किए जा रहे हैं, वहां पर अत्याचार हो रहा है। आपने जैसे कहा कि दो टुकड़े कर दो, मिलिट्री जो है डजंट टेक एडवाइस फ्रॉम लाइक दिस नॉन एक्सपर्ट्स की दो टुकड़े करने या चार करने, जब वक्त आएगा तो हम कर देंगे। आप हमारे बड़े सम्मानित हैं, हमारे मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, तो मैं आपका सम्मान करता हूं सर, मगर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आज देखिए नई तरह की एक परंपरा चली है कि आज देश के अंदर मीडिया भी जो चौथा स्तंभ है और हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी आज सवाल पूछना चाहते हैं विपक्ष से, आज सवाल ना तो पूछना चाहते हैं कोई पक्ष से ना कोई सलाह देना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, क्योंकि आपने एक मिनट में ठीक कर मैडम, एक मिनट दे दीजिए आप। नहीं 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 संजय जी, सुन तो लीजिए प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आपने चौथे स्तंभ पर जब सवाल उठाया, सवाल नहीं उठाया है, आप बताइए ना, आप विपक्ष से पूछ रहे हैं, विपक्ष पे सवाल ये जवाब सत्ता देगा, सत्ता के अंदर जो बैठे वो जवाब देंगे, यहां बैठे रक्षा मंत्री जवाब देंगे, संजय जी माफ कीजिएगा, ये बार बार आप लोग टारगेट मीडिया को क्यों करते हैं? सवाल करें बताइए, आप बताइए ना, आप पक्ष से मार के पूछ रहे हैं, सवाल पूछा है सर, आप नहीं, आप हमारी देशभक्ति पर सवाल उठा रही है, सवाल उठी नहीं है सर, आप हमारी देशभक्ति पर सवाल उठा रही है, आप मुझे बताइए, आप हमारी देशभक्ति पर सवाल उठा रही है, ठीक है क्या? आप मुझे बताइए, आप किस तरह से हमारी देशभक्ति पर सवाल उठा रही है? आप सवाल कर, आप किस तरह से हमारी देशभक्ति पर सवाल उठा रही है? आपने उठाया अभी, आपने कहा अभी कहा गया कि मैंने आपसे पहले भी गुलरेज शेख से सवाल किया था कि अगर आप पीठ थपथपाते हैं कि हमने आतंक की कमर तोड़ दी तो कहां से 200-300 टेररिस्ट जो है वो एक्टिव मोड पे, आप उस वक्त तोड़िए तो हम तारीफ कर रहे हैं इनकी, तो हम तो कह रहे हैं आप सीधे कांग्रेस ने क्या ये सोच रखा है सर कि सवाल जब कांग्रेस पर आए क्यों आएगा कांग्रेस में, मुझे ये बताइए, सत्ता में नहीं हम लोग, मिलिट्री ने नहीं, अरे महबूबा मुफ्ती की सरकार हमने बनाई थी क्या? 3 साल छोटे भाई थे हमने, इसका जवाब दीजिए, क्या मनमोहन सिंह से नहीं कहा गया था कि हम कर सकते हैं इस तरह की कार्रवाई, हमें इस बात की छूट दी जाए? मनमोहन सिंह ने नहीं, मनमोहन सिंह जी ने 20 बार वो कार्रवाइयां सारी देश के अंदर की हैं, क्या मगर पब्लिसाइज नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया। और सुनिए इस देश के अंदर जो हालात है सारी दुनिया जानती है, मनमोहन सिंह से बेहतर प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। शायद संजय जी को लगे कि मीडिया चौथा स्तंभ है, आप मुझे बताइए जिस तरह से मंदी है, जिस तरह से देश के हालात है, ये जो मनमोहन सिंह ने संभाल लिया ये मुद्दा ही मंदी का नहीं है, आज का मुद्दा मंदी का नहीं है, तो पाकिस्तान ने कहा कि आप आइए कॉरिडोर खोलने के लिए, नहीं मैं आना चाहता, क्या मनमोहन सिंह से मांगी नहीं गई थी इजाजत कि हमें इजाजत दी जाए? मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री लापाना इनके लिए बहुत मुश्किल है, हुआ था तो क्या मांगी नहीं गई थी इजाजत सर? जेपी सिंह पाकिस्तान पर कार्रवाई करे, मनमोहन सिंह ने इजाजत दी थी, क्यों नहीं दी? पार्टी को बिलीव नहीं करता हूं, चूड़ियां पहन रखी थी हाथ में, लेकिन जो आप मंदी पे सवाल उठा रहे हैं, आप नोटबंदी पे बार बार सवाल उठाते हैं, नोटबंदी इसलिए जरूरी थी कि ब्लैक मनी जो इतनी थी, जो गलत तरीकों से लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ट्रक्स के ट्रक्स भरे हुए थे, आप रोज देखते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे आते हैं आपके पास, किसी के घर में गोदाम भरा हुआ है नोटों का, सर, मुद्दे उन पर लगाम लगानी जरूरी थी। उसके बाद सिंह साहब कितना पैसा इस देश के अंदर बताइए ब्लैक मनी का, रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी था, नहीं मुद्दे से भटक रहे हैं, कर्नल जेपी सिंह जवाब दीजिए, मनमोहन सिंह से मांगी गई थी इजाजत, उस वक्त इजाजत नहीं दी गई थी, हम उस वक्त भी सक्षम थे, अटैक कर सकते थे? नहीं, मैं भूतपूर्व सैन्य होने के नाते जम्मू कश्मीर में भी मैंने काफ़ी नौकरी की है और बाकी दूसरे हिस्सों में भी की है। जब मैं जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा था तब उस तरह से हमको उतनी खुली छूट नहीं थी, पूरी इजाज़त नहीं थी कि हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह से जो है कार्रवाई कर सकें। LOC के ऊपर गैर बगैर पाकिस्तान की सीज फायर उल्लंघन होता रहता था और हमें गोली चलाने के लिए पीछे से हुक्म की ज़रूरत रहती थी, वहाँ पर वो कमी थी। लेकिन मैं यहाँ पर जो संजय जी हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमारे प्रति जिस तरह से सम्मानयुक्त लफ्ज़ इस्तेमाल करें उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आपने सवाल किया कि भाई हमने, हमारी सरकार ने PDP के साथ में सरकार बनाई, हमने बिरयानी जा कर के खाई और मजार पर, जिन्ना साहब के मजार पर चादर चढ़ाई, कूटनीति, सैन्य नीति, आर्थिक नीति, राजनीति, ये काफ़ी कुछ है।
तो ये सब कूटनीति का हिस्सा है। अगर क्योंकि आर्मी में हमने खुद किया है, सद्भावना के तहत हमने सभी कश्मीरियों को सद्भावना के तहत पढ़ाई लिखाई और उनकी तरह तरह की जो समस्याएं थी उसमें हमने मदद की है। वहाँ हमने ये नहीं देखा कि ये हमारे साथ है या पाकिस्तान के साथ है, वहाँ हमने सबको सद्भावना के तौर पर। तो ये जो पीडीपी के साथ सरकार बनाना, मजार पर चादर चढ़ाना और बिरयानी खाना, ये एक कूटनीति का हिस्सा था। और साथ में सैन्य नीति के तहत जिस तरह से हमने आतंकवाद के खिलाफ बालाकोट में स्ट्राइक की है और दूसरी सर पीओके में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो हमारी सैन्य नीति का हिस्सा लेकिन है। उसके बाद और आज जो जिस तरह से हमारी सेना को पूरी छूट है कि भाई आतंकवादी हों या पत्थरबाज हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त गोली चलाने का हुक्म, पहले गोली चलाने का हुक्म नहीं था। हमारे बहुत अधिकारी और जवान मानव अधिकार उल्लंघन के तहत काफी लोग जेल जा चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई थी। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहने का मकसद मानव अधिकार उल्लंघन नहीं है, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आर्मी को पूरी छूट दी जाए आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का, और जिस तरह से पाकिस्तान जरूरत करता है उसको मुंह का जवाब देने का। देखिए, मैं आपका दोबारा सर झुका के सम्मान इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आप ही लोग हैं जो इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और सर, ये रिगार्ड मेरा, मैं को ये नहीं है, इस पूरे देश के जितने नागरिक हैं वो सभी आपका सम्मान करते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा, मेरा आपसे थोड़ा सा इसके अंदर मेरी राय अलग है। आपने कहा कि पूरी छूट दे दी गई है, मगर उस पूरी छूट देने से कितने हज़ार सैनिक हमारे एक टर्म के अंदर ज़्यादा मारे गए, ये आप देखेंगे। इस छूट का हमें कितने मारे गए सर, बता दीजिए। नहीं, आंकड़ा आप देखिए, आंकड़ा बताइए। सरकारी आंकड़ा है, सरकारी हजारों में कई गुना है, जितना जितना पांच साल में क्या बोले सर, एक मिनट एक मिनट, आप संख्या बोले, मैं आप एक मिनट बैठा हूं, 140 आतंकवादी मारे गए, भाई आप तो 26 जवान शहीद हुए। संजय भाई, आप बीच में नहीं बोलते सर, आपकी बड़ी चीज देखिए, 2000 से ज्यादा, जब आपका टर्न आएगा जब आप बोलिएगा, बोलिए संदीप। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, मैडम इसके अंदर कम से कम मैं बता रहा हूँ कई गुना लोग ज्यादा मारे गए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके अंदर हम मिलिट्री का सम्मान करते हैं, और आपने कहा आज हमारे जेपी सिंह साहब कह रहे हैं पूरी छूट है। अरे भाई, पूरी छूट है कोई तो मैंने कहा है कि जब मिलिट्री को पूरी छूट है और कांग्रेस की सरकार में छूट नहीं थी, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों हम बलूचिस्तान को उनसे अलग नहीं कर रहे हैं? क्यों जब छूट नहीं थी, जब तो बांग्लादेश हमने अलग कर दिया, आज आपको छूट मिली है, आज आपको शस्त्र मिले हैं, आज आपको सपोर्ट मिला है, यही तो उम्मीद करेंगे, यही तो हमारी उम्मीद है। उस समय भी बांग्लादेश के वक्त भी हमें इंतजार करना पड़ा था, जब इंदिरा गांधी ने पूछा था तो उस वक्त हम तैयार नहीं थे, और 6 महीने हमें इंतजार करना पड़ा, हमने वक्त का इंतजार किया, सही वक्त जब होगा तब हम वो करेंगे। लेकिन ये लोग नया एक नाटक करते हैं, उसको सुनते हैं, सरकार ने ये किया वो किया, तो आप यह मिलिट्री के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, जो ये इसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन गुलरेज शेख, एक सवाल तो संजय जी का सही बनता है, सवाल गुलरेज शेख, सवाल सुन लीजिए, इनकी सरकारें भूल जाते हैं, सवाल सुन लीजिए, अरे भाई संजय जी का ये सवाल तो वाजिब है कि आखिरकार जब सरकार आपकी है, दोबारा जब टर्म में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, तो अब स्टैंड अलग होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। हम राफेल को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं तो हम सैन्य ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन ये ताकत किस काम की जब हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? क्यों हम नकेल नहीं लगा पा रहे हैं? क्यों अंदर में जो आतंकवादी मौजूद हैं उन्हें हम धरपकड़ नहीं कर पा रहे हैं? माना कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, लेकिन सरकार जब इतनी प्रचंड बहुमत से आई है और कहीं भी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सर, कहा तो यह भी जाता है भारत देश के लिए कि अगर एक जवान को सही मायने में शक्ति दे दी जाए तो एक बच्चे से खिलौना भी कोई छीन नहीं सकता, इतनी ताकत होती है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? सर, सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल श्वेता, सही सवाल है, मैं उसमें उसका उत्तर भी दूंगा।
देखिए यह सरकार ने जिस दिन से सेकंड टर्म में आई है जितने भी ऐसे विषय थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे 70 साल से उसको सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया, मतलब 6 महीने से भी कम की सरकार ने किस प्रकार से काम किया आप रिपोर्ट कार्ड देख लें। जहां तक आतंक को आतंक के विरुद्ध कार्रवाई की बात है, सबसे पहले तो जो सेपरेटिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई है सारे सेपरेटिस्ट के मुंह बंद कर रखे हैं, यह हमारी सरकार ने किया है। पाकिस्तान में इतना कोशिश कर रहा है, इतने हाथ पैर मार रहा है लेकिन एक भी मेजर इंसिडेंस नहीं कर रहा चाहकर भी, वो भी इसी सरकार की करामात है। फिर जहां तक कि पाकिस्तान के टुकड़े कर रहा और पीओके के लेने की बात है, यह चीजें हम टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं ना ही कोई भी पार्टी करते आपके गृहमंत्री आप तो टेलीविजन कब क्या करने वाली है, लेकिन वो होगा देश की संसद में, लेकिन वो होगा पीओके भी आना है। ये मान के चल ले कि आप सुबह उठेंगे मालूम पड़ेगा कि मुजफ्फराबाद भारत में है। वही बात है सर, आपके गृहमंत्री संसद में बात चर्चा करते हैं, वॉर डिक्लेयर कर देंगे। नहीं नहीं वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे, मगर 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 आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूं सर कि क्या गणेश भाई, दो प्रश्न है मेरे आपसे, चाहे मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। पहला प्रश्न ये है कि आप बता रहे 6 महीने से हम एक्टिव मोड में हैं तो 5 साल तक स्लीपिंग मोड में रहने की सरकार थी वो किसकी थी? दूसरे टर्म की बात होती है। नहीं नहीं मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, वो किसकी थी? दूसरे टर्म की थी ना सर, तो उसकी कमियां और अच्छाइयां आदि के साथ जारी किया, तो आज आप 6 महीने से लगभग आप 5 साल से दौरे थे, खराब स्थिति में सरकार का सीना था आपका, मनमोहन सिंह क्या कर रहे थे, ठीक करते करते भी हमने ठीक किया, वो उसमें भी सुनिए सर सुनिए उसमें जी ISI से आपने डिस्कशन आपने कराया था ना, कोई और था क्या? सुनिए सर, 3 साल सरकार में महबूबा मुफ्ती के साथ दूसरे दर्जे के सहयोगी आप ही थे ना, या कोई और था? मलाई आपने चाटी थी, चाहे आपने वो मलाई चाटी है किसी और ने चाटी है, चाहे आज आप देशभक्त बनकर बताना चाहते हैं, सेपरेटिस्ट के आप जूनियर बनके वहाँ गवर्नमेंट में थे आप भूल जाते हैं, फ्रेजाइल कंट्रीज में की सूची में, और अब आप नए अवतार में दिखाई देना चाहते हैं, तो आप क्या बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था, अरे आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, हमने 5 साल तक किया और आज उस स्थिति पर हम खड़े हुए हैं, 3 साल का बताइए और चीजों पर काम कर रहे हैं सर, ये 5 साल का प्लेटफॉर्म है, ये 5 साल का प्लेटफॉर्म है जिससे जंप दिए गुलरेश थे ना सर, और आप थे ना, आप थे ना, आज आपने उनको बंद कर दिया है, आज आज वो आपके हिसाब से लोकतांत्रिक नहीं रहे, आज के आज आपकी आपको सूट नहीं कर रहे हैं, तो संजय जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं जब तक मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री थी, आज इन्होंने कहा कि वो अलग होती है, कूटनीति अलग होती है, कई तरीके अपनाए जाते हैं, कई तरह किसी का भी टैग बदल देते हैं, किसी को राजद्रोही कहने लगते हैं। संजय जी आप क्या नहीं मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में अगर बात की जाए तो सैन्य ताकत में बढ़ावा हुआ है और जितनी क्षमता हमारे सैनिक नहीं, ये एक रूटीन प्रोसेस है, सैन्य ताकत हर 5 साल में 10 साल में बढ़ती ही रहती है, तारीफ करना चाहते हैं, अगर रफाल की बात हुई तो मैंने उसके अंदर भ्रष्टाचार की बात नहीं की है, मैंने तारीफ की है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर देश के अंदर भ्रष्टाचार में तो जाएगी, तारीफ करी है मैंने उसके ऊपर, दूसरे एस्पेक्ट पे बात नहीं करी, क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ आज ये समय ठीक, जब आप चर्चा इतनी गंभीर कर रहे हैं तो उसके अंदर भ्रष्टाचार जैसी बातों पर आज लाना ठीक नहीं है। आप ये बताएं, मैंने बात सिर्फ ये की है आपसे, हमने तो साधुवाद दिया आपको, तारीफ की है और उम्मीद भी रखी है आपके सामने, हमने उम्मीद रखी है मैडम, इनसे उम्मीद रखना भी गलत है क्या सरकार से? फाइनल उन्होंने कहा है कर्नल जेपी सिंह, क्या लगता है जिस तरह से ये जो अंदर खाने की जो लड़ाई है, हम आतंकवाद से लड़ने की बात करते हैं, हम तमाम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन ये जो अंदर खाने की लड़ाई है, जब आतंकवाद जैसा मुद्दा आता है तो वहां नहीं लगता है कि पार्टियों को एक होना चाहिए, जो चीज देश के हित में है वो स्टेप उठाने के लिए, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी को अपनी बात रखनी चाहिए कि किस तरीके से, पहले जैसे संजय जी ने कहा कि हम साधुवाद देते हैं लेकिन उसके बाद कटाक्ष पे कटाक्ष करते चले गए, और ऐसे में तो सरकार का दायित्व भी बढ़ जाता कि वो सभी दलों को साथ में लेके चले। कर्नल जेपी सिंह, योर फाइनल कमेंट। मैं संजय जी से ये गुजारिश करूंगा कि जो वर्तमान सरकार है, इसने अगर पीडीपी के साथ सरकार बना करके और वहां का जो है अंदर की परिस्थितियां की जानकारी हासिल की है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उस जानकारी हासिल करने के बाद में कूटनीति के तहत इन्होंने, इसी सरकार ने अगर कोई ऐसा कदम ना लिया होता तब तो आपका सवाल बहुत ही जायज़ था कि वहाँ पे सरकार उनके साथ बनाई, उनके साथ आपने तालमेल किया और फिर भी जो है आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और उस तरह से जो है देश
एक उस दौर से गुजर रहा है, पर मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि पीडीपी भी ठीक है, अपोजिशन पार्टी थी, क्या बाकी राजनीतिक पार्टियां इंक्लूडिंग जो वर्तमान सरकार है बाकी अपोजिशन के साथ देश प्रदेश को चलाने के लिए उनके साथ समन्वय करती हैं, सरकार बनाती हैं? तो किसी वजह से कूटनीति के तहत अगर वर्तमान सरकार ने पीडीपी के साथ किया है, समझौता किया और 3 सालों चलाया, अंदर खाने की सब बातें जो पता की, उसके बाद में एक ड्रास्टिक स्टेप जो मेजर स्टेप था आतंकवाद को रोकने के लिए, आपका कहना है कि ये कूटनीति थी उनकी और इस तरीके से अब रहा कन्वेंशनल वॉर और आतंकवाद। जैसा कि पहले कर्नल साहब बता चुके हैं कि कन्वेंशनल वॉर और आतंकवाद अपने दो अलग जो है तरह के पहलू हैं। कन्वेंशनल वॉर के लिए कूटनीति और राजनीति और तरह तरह की नीतियां बनाना, हर फ्रंट पर सोचना पड़ता है। और कर्नल ओमवीर से फाइनल कमेंट, जैसे कर्नल जेपी अभी बता रहे थे, फाइनल कमेंट, जो कन्वेंशनल वॉर है उस पर डिसीजन इतनी जल्दी नहीं लिए जाते। आप अगर अपना इंदिरा गांधी का टाइम याद करें तो उससे पहले तो इंदिरा गांधी जरूरत है कि हर फ्रंट पर हम सभी देशों में गई थी, सभी देशों में गई थी, पहले इंटरनेशनल ओपिनियन अपने फेवर में ली थी, तब हम बांग्लादेश में हमने मदद करी थी बांग्लादेशियों की, तो कुछ उसी तरह की स्थिति की अभी भी जरूरत है। फिर वो बांग्लादेश बनाकर हम वापस आ गए थे, तो इस तरह के इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में कुछ तरह के डिसीजन होते हैं लेने की जरूरत है। संदीप जी योर फाइनल, जो हम नहीं ले सकते हैं। संदीप जी फाइनल कमेंट, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जब आतंकियों के खात्मे के लिए सरकार जो है, आपका तो कहना है कि दो धड़ों में बांट दो सीधे पाकिस्तान के टुकड़े। संजय जी मैं कहना चाहता हूं दोबारा, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके अंदर जब गृह मंत्री साहब फाइनल कमेंट सर संसद में कह रहे हैं तो उसी बात को देश उम्मीद लगा रहा है, उसी का मैंने जिक्र किया। और आज ये और जो हमारे साहब कह रहे हैं ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जब आप ट्रंप से मिलकर आए इससे ज्यादा नीति कूटनीति और क्या होगी और क्या समर्थन लिया जाएगा जी। तो मैं समझता हूँ कुछ समय सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और यही उम्मीद भी है। गुलरेश यही उम्मीद है, अब वक्त आ चुका है कुछ हार्ड डिसीजन सरकार की तरफ से देखने को मिलेंगे। फाइनल कमेंट सर, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को ये बात कहता हूं कि निश्चिंत रहें, यह सरकार जो भी कृत्य कर रही है वो भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के दृष्टिकोण से और लक्ष्य से कर रही है, और आप सभी को पार्टी की तरफ से दशहरे की शुभकामनाएं भी देता हूं। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ यहाँ पर शो को खत्म करूंगी। सभी तमाम गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी उम्मीद के साथ है कि जिस तरह से भारत का रुख धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि अब हम सहेंगे नहीं और आतंकिस्तान से तो किसी तरह की बातचीत नहीं होगी, अब दशहरे के मौके पर जब राफेल वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा और राज तिलक होगा राफेल का, तो देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की घिघी कैसे बंद होती है। फिलहाल हमारे इस स्पेशल शो में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।